सीएसएस सीडो क्लासेस सीएसएस हमें सीडियो क्लासेस देता है जो कि हमें हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट की स्पेसिफिक कोई एक स्टेट को ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम उसे किसी एक एलिमेंट के ऊपर माउस ओवर पे क्या करना है या जब उस माउस पे किसी एलिमेंट पे अगर किसी लिंक के एलिमेंट पे क्लिक हो या इमेज पे जब क्लिक होगा तो उसके प्रॉपर्टीज को सीएसएस की प्रॉपर्टीज को जो चेंज करना है उस पर्टिकुलर इवेंट्स को के लिए उन प्रॉपर्टीज को हम इसमें से क्लासेस की मदद से डिफाइन कर सकते हैं इसका स्टैंडर्ड सेंटेक्सेस हम सेलेक्टर मैंशन करते हैं इसके बाद कॉलन एंड देन दैट पर्टिकुलर स्यूडो क्लास जो हम यूज करना चाहते हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर जितनी भी हम उसकी सीएसएस पे अप्लाई करना चाहें तो एंकर लिंक्स का जो टैग है उसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड चार हमारे पास उसकी सीडो क्लासेस मौजूद हैं इनको देखते हैं फॉर अनविजिटेड लिंक्स हमारे पास लिंक की सीडो क्लास है हम उस उसपे उसको लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज उसको डिफरेंट सीएसएस uh, की प्रॉपर्टीज दे सकते हैं लाइक like, यहां पे हमने उसको कलर उसका स्पेसिफाई किया है रेड हम विजिटेड लिंक्स के लिए डिफरेंट कर सकते हैं यूजिंग दीडो क्लास ऑफ विजिटेड और इसी तरीके से थर्ड वन इज जो कि हम एंकर के टैग या लिंक्स के साथ हम यूज करते हैं वो है हुवर, जो कि पर्टिकुलर यूज होती है कि माउस के उस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर आने से क्या होगा इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्लास सुडो क्लास जो कि एंकर टैग के लिए है वो है एक्टिव जो कि हमें इवेंट होता है जबकि हमारा जिस टाइम पे किसी भी एक पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक होगा तो क्या बिहेव करना है सीएसएस ने जो तो तो भी हम सीरियो क्लासेस जब हम अप्लाई करेंगे किसी एक पर्टिकुलर एंकर टैग पे इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है किसी भी एंकर टैग के लिए वो याद रखने की ये है कि हम हमेशा जो होवर है उसको हमेशा लिंक और विजिटेड की सीरियो क्लास के बाद स्पेसिफाई करेंगे और एक्टिव की सीरियो क्लास को हमेशा होवर के बाद डिफाइन करेंगे अगर हम इसका ऑर्डर डिफरेंट रखेंगे अगर हम इन केस हुर को एक्टिव से पहले मेंशन करते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होता किसी भी एंकर के टैग के ऊपर सीडियो क्लासेस uh, को कंबाइन किया जा सकता है सीएसएस की स्टैंडर्ड क्लासेस के साथ किस तरीके से इसका सिंटेक्स देखते हैं हमने यहां पे एंकर टैग के साथ एक क्लास हाईलाइट की मेंशन की है उसके बाद हमने कॉलन डालें और उसके बाद हमने हुवर की स्पेसिफिक सीडो क्लास यहां पे यूज की है क्लास के लिंक uh, के ऊपर सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी बाकी लिंक्स के लिए अप्लाई नहीं होगी फिर हमारे पास एक और स्टूडियो क्लास होती है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट चाइल्ड स्टूडियो क्लास फर्स्ट चाइल्ड स्टूडियो क्लास यूज होती है uh, किसी भी एलिमेंट के सिर्फ पहले चाइल्ड के अप्लाई होती है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका फर्स्ट चाइल्ड जो है सिर्फ उस पर अप्लाई होगी इसकी एग्जाम्पल इसको समझते हैं हमने यहां पे पी के एलिमेंट के साथ फर्स्ट चाइल्ड पे उसकी स्टूडियो क्लास पे हमने कलर स्पेसिफाई किया ब्लू सो so, होगा क्या कि जब उसका हमने यहां पे जो भी हमारा एस्टिमल था उसमें जो पहला पी का टैग आएगा या पैराग्राफ का जो टैग आएगा उस वो सिर्फ उसके ऊपर वो पर्टिकुलर सी एस एसलाई होगी बिकॉज दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट हम इस और एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे हमने एक पी के एलिमेंट के साथ आई का एलिमेंट यूज किया और हमने आई के एलिमेंट के ऊपर स्पेसिफाई किया है कि वो उसके पर्टिकुलर फर्स्ट चाइल्ड की स्टूडो क्लास के ऊपर कलर्स का ब्लू करें सो जब हम पर्टिकुलर पैराग्राफ के टैग तमाम पैराग्राफ के टैग्स के अंदर जब हम आई यानी कि इटैलिक का टैग यूज करेंगे तो सिर्फ उसकी फर्स्ट अकरेंस के ऊपर सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेगा लेकिन इन केस अगर हम इसको इसी एग्जाम्पल को जरा सा डिफरेंटली देखते हैं कि हमने पैराग्राफ की फर्स्ट चाइल्ड पे स्पेसिफाई किया है कि उसके अंदर जितने भी आई या इटैलिक के टैग्स आएंगे उन पे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अप्लाई हो तो इट विल बिहेव ये सिर्फ पहले जो पैराग्राफ है आएगा हमारे पास सिर्फ उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर जितने भी आई के अक्रेंसेज होंगे उनके ऊपर वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा हमारे पास सी एस एस हमें एक और सीरो क्लास देती है दैट इज कॉल्ड लैंग जो कि स्पेसिफिक रूल्स डिफाइन करने के लिए यूज होती है इन केस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं बट रिमेंबर के हमें आई uh, एट में जो स्टूडियो क्लासेस हैं वो उसी सूरत में सपोर्ट होती हैं अगर हमने डॉक टाइप डिफाइन की हुई हो यहां इस एग्जांपल को जरा समझते हैं हमने क्यू के एलिमेंट के साथ स्टूडो क्लास यूज की लैंग की उसका एक स्पेसिफिक नाम बताया यहां पे हमने उसका ना, नाम नो रखा है तो हमने उसके अंदर बताया कि उसके अंदर जब भी इस पर्टिकुलर लैंक को हम यूज करेंगे जो उसका नाम नो हो तो वो कोर्स को जो है एक पर्टिकुलर कोर्स के स्टाइल हमने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया कि वो इस किस्म के कोर्स जो है वो उस पर ऐड करें यहां पे हम इसको देखें हमने बॉडी टैग के अंदर एक पैराग्राफ में क्यू के टैग के साथ हमने एलिमेंट के साथ हमने लैंग डिफाइन कर दी गई यहां पे दिस इज द पर्टिकुलर पोर्शन के जो के जिसके ऊपर हमने ये पर्टिकुलर लैंग्वेज अप्लाई करनी है जिसका हमने एक फर्जी नाम यहां पर नो रखा हुआ है तो दिस इज हाउ इट विल बिहेव कि उसने सिर्फ उस पर्टिकुलर टैक्स के साथ जो भी कोटेशन होगी जो कि उस पर्टिकुलर लैंग के लिए थी सिर्फ उस पर अप्लाई किया उसने यहां पे उस पर्टिकुलर कोटेशन कोड को जो हमने स्पेसिफाई किया था तो दीज आर स्यूडो क्लासेस जो कि सीएसएस हमें देता है और हम इसको uh, मुख्तलिफ केसेस के अंदर अपने डिफरेंट इवेंट के लिए साथ यूज कर सकते हैं